तैयारी कर अपन तक, हम तान्या की कसम तोड़ने जा रहे हैं। हमला, पहला बार लाख मुलाज। दोस्तों, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर का ऑफिशियल ट्रेलर। दोस्तों, इतिहास में कई फिल्में ऐसी होती है जिनका बेसब्री से इंतजार होता है, उन्हीं में से एक है तान्हाजी। अजय देवगन का ड्रीम प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सभी दर्शक, अजय के फैन, हिस्टोरिकल फिल्म के फैन इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। 4 फरवरी 1670 में एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक अजय देवगन यानी कि तान्हाजी ने की थी, जहां पर मुगल साम्राज्य को झटका लग गया था। चलिए बात कर लेते हैं अब इस ऑफिशियल ट्रेलर की। पूरा वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको इसका रिव्यू अच्छे से पता लग जाए। दोस्तों, आपको बता दें ट्रेलर की खास बात क्या है। सबसे खास बात यह है कि हिस्टोरिकल फिल्में जब से दोस्तों बाहुबली बनी है, या फिर बोले बनी है एक और फिल्म मराठा जगत पे ही बाजीराव मस्तानी, कहीं ना कहीं चीज़ें एक जैसी लगती है, थीम एक जैसी लगती है, कभी सीन एक जैसे लगते हैं। हाल ही में आया पानीपत का ट्रेलर उन्हीं में से एक था जो हर चीज़ को कॉपी करता था, थोड़ा थोड़ा बाहुबली से, थोड़ा थोड़ा पद्मावत से, थोड़ा थोड़ा बाजीराव मस्तानी से। लेकिन यहाँ पर तानाजी बिल्कुल हटके है। कोई भी सिमिलरिटी हमें बाकी फिल्मों में से नहीं देखने को मिल रही है तानाजी फिल्म के अंदर, जबकि ये भी एक मराठा साम्राज्य की फिल्म है जिसमें अजय देवगन का किरदार इतना ज़्यादा कड़क, इतना ज़्यादा रुतबाशाली दिखाया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। और उनके साथ साथ आते हैं हमारे सामने सैफ अली खान। जी हाँ दोस्तों, ये है एक सुपरस्टार की जोड़ी जो कि इससे पहले ओमकारा में नज़र आ चुकी है। दोनों हीरो और विलन का किरदार निभाए थे, अब तानाजी में दोनों हीरो और विलन हैं। ऐसे में उदय बान सिंह यानी कि सैफ अली खान, तानाजी जब आमने सामने होंगे अजय देवगन, तो बहुत ही तगड़ी ये फिल्म बन के सामने आएगी। ट्रेलर की खास बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं है, सब कुछ नया है, ऊपर से 3D है। अगर इसके आप एक्शन सिक्वेंस देखेंगे तो वो कहीं से भी आपको किसी और फिल्म के मेल जोल में नहीं दिखाई देंगे। अजय का तो कहना ही क्या, अपनी आंखों से वो डायलॉग कह देते हैं। वहीं सैफ अली खान आजकल मानो एक्टिंग का जो सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो उन्हीं पर हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को अलग अलग कैरेक्टर में ढाला है, सैफ की तारीफ बनती है। काजोल काफ़ी समय बाद बड़े पर्दे पर एंट्री मार रही है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें हेलीकॉप्टर इला के बाद काजोल काफ़ी ज़्यादा शानदार अवतार में है। अपने रियल लाइफ हीरो अजय देवगन के साथ में रियल स्क्रीन के साथ रियल स्क्रीन भी अब शेयर कर रही हैं। डायरेक्टर ओम राउत ने यहाँ पर जो कहानी ड्रामा लिखा है, जो उसको डायरेक्शन दिया है, वो बहुत ही उम्दा है। फिल्म के अंदर दोस्तों लीड कैरेक्टर्स के अलावा हमें नज़र आने वाले हैं जगपति बाबू, पंकज त्रिपाठी और शरद केलकर। दोस्तों, फिल्म की खास बात यह है कि साउंड इतना ज़बरदस्त है, म्यूज़िक का कमाल का है, साथ साथ एक्शन भरपूर है, कैरेक्टर्स भरपूर हैं। ऐसे में फिल्म को लेके ये कह सकते हैं कि ये बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म है जो कि 3D में रिलीज़ हो रही है हिस्टोरिकल फिल्म होने के बाद। ऐसे में ये फिल्म जनवरी के मौके पर कलेक्शन के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इससे पहले अजय की ड्रीम प्रोजेक्ट शिवाय थी जो बॉक्स ऑफिस पे शायद उतनी कमाल नहीं कर सकी थी, लेकिन इस बार अजय देवगन भरपूर प्रयास के साथ आ रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आ रहे हैं। फिल्म ने अपना पूरा समय लिया है, लगभग 2 साल फिल्म को बनने में लग गए हैं। ऐसे में इस बार ये फिल्म काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। आपको तानाजी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।